समिति का जो बैठक हुआ है उसका केंद्रीय पूजा समिति और एक पूरे वाराणसी और आसपास जिलों की दुर्गा पूजा, काली पूजा, गणेश पूजा समितियों का एक संग्रह समूह है। तो हम ही लोग जो अभी दुर्गा पूजा का आयोजन आ रहा है, तो दुर्गा पूजा आयोजन में हम सब बहुत ही सुचारू रूप से बहुत ही अच्छे वातावरण में, अच्छे भक्तिपूर्ण वातावरण में पूरे कार्यक्रम को हम लोग संपन्न करा सकें, इसके लिए हम लोगों ने एक बैठक किया है। बहुत सारे समितियों को हर वर्ष परेशानी आती है, इसलिए अगर हम 2 साल से बात करें उस समय कोविड का समय था, प्रशासन का अनुमति नहीं देगा कि पंडाल आपका 10 से 12 फीट का पंडाल नहीं बनेगा और मूर्ति की जो प्रतिमा है बहुत ही कम हाइट की रहेगी जी। इस साल बताया गया कि पंडाल बहुत ही भव्य बनेगा जी जी, और जहां रोड पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पंडाल भी नहीं बन रहे हैं, सन 1985 से 1982 से है, इस बार प्रशासन की क्या अनुमति है? नहीं, वो दिक्कत ये आ रही है, चूँकि एक ऐसी गाइडलाइन है कि जहाँ पर भी बहुत बीच के सड़कों पर पूजा होती है, सड़क रोक के जाम करके पूजा होती है, उन लोगों से निवेदन हो रहा है, प्रशासन भी कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं कि आप थोड़ी जगह छोड़ें जिससे आवागमन प्रभावित न हो। क्योंकि 20 साल पहले सन 85 में आबादी की क्या पोजीशन थी, आज आबादी की क्या पोजीशन है, कितने लोग शहर में आ रहे हैं, टूरिज़्म बनारस में किस तरह का है, हम उन सब चीज़ों को देखते हुए एक ऐसा वातावरण बनाएँ जिससे कि आवागमन में, ट्रैफिक में कोई परेशानी लोगों को न हो। क्योंकि जो भी जनता हमारे लिए आ रही है वो हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए पूजनीय है, वो हमारे लिए आ रही है, तो हम उसको सुचारू व्यवस्था दे सकें, कोई भगदड़ का माहौल न बने, कहीं कोई लोगों को परेशानी ना आवे, इसके लिए हम लोगों ने बैठक की। और जहाँ पर कहीं कहीं कुछ अधिकारी गंदा व्यवहार कर रहे हैं, हर वर्ग के अधिकारी, चाहे नगर निगम के हों, बिजली विभाग के हों, प्रशासन के हों, उन लोगों से निवेदन है कि आप ऐसा आचरण न करें कि हम लोग कोई दूसरा स्टेप लें, हम लोग कोई ऐसा स्टेप ले लें जिससे कि आप तक परेशानी में आवें। तो आप हमारे कार्यकर्ताओं से, जो केंद्रीय समिति से जुड़े हुए समितियों के पदाधिकारी हैं, उनसे आचरण अच्छा करें, व्यवहार अच्छा करें, उनसे वार्तालाप अच्छा करें, निवेदन करें, तो हम आपके सारे निवेदन को स्वीकार करेंगे। हमारे लिए आप हैं, हम आपके लिए हैं, हम लोग नज़र झुका के बात करते हैं, नज़र उठा के बात करते हैं, नज़र मिला के बात करते हैं, निवेदन के साथ बात करते हैं। मूर्ति विसर्जन की बात करें तो वाराणसी के गंगा घाट पे तो मूर्ति विसर्जन तो अब तो बंद हो गया है जी जी, तो हर जगह जैसे तालाबों वगैरह में मूर्ति जी 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 क्या कहना चाहते हैं? नहीं, तालाबों और कुंडों की व्यवस्था हो रही है, बस निवेदन है कि प्रशासन और अच्छी व्यवस्था दे, सुचारू रूप से कुंड तालाब साफ रहें, क्योंकि माँ की पूजा आराधना करते हैं, उनका विसर्जन करने के लिए लेके जाते हैं, तो जब तक हम विसर्जन नहीं कर लेते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि माँ हमारे साथ हैं, तो क्या हम अपने माँ को जाकर ऐसे ही कहीं डाल देंगे? तो इसके लिए थोड़ा एक स्वच्छ वातावरण में साफ सुथरी व्यवस्था हो और पूरे जज्बे के साथ हो, मेरा ऐसा निवेदन है। हम लोग अभी अधिकारियों से मिलकर भी वार्ता करेंगे इस विषय पर, अपने हमारा केंद्रीय समिति का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, सभी अधिकारियों के साथ बैठक करेगा और इस सारी चीज़ों की व्यवस्था सही कराएगा। वेस्ट बंगाल में बहुत ही भव्य पंडाल बनते हैं, वहाँ पे श्रद्धालु खींचे चले जाते हैं, इस बार वाराणसी में कैसे दुर्गा पूजा मनाया जाए? वहाँ की सरकार सपोर्ट कर रही है, हमारी सरकार में सपोर्ट भी है और कुछ अधिकारियों द्वारा एक दबाव भी है कि आप ऐसा नहीं करिए, तो हम लोग अभी असमंजस की स्थिति में ये आ रहे हैं एज ए केंद्रीय समिति के अध्यक्ष कि पूरा सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि सरकार का हमारी तरफ रुख क्या है, वो क्या कह रही है हमसे, क्योंकि एक वार्ता करने का हम प्रयास भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर चूँकि सरकार आर्थिक मदद भी देती है लोगों को, हमारे सरकार में कोई ऐसी आर्थिक मदद नहीं है, लोग अपने मेहनत से पूजा करके चंदा वसूल उतारते हैं, लोगों से निवेदन करते हैं, परिवार से निवेदन करते हैं और उसके बाद वो इतनी बड़ी पूजा का आयोजन करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, एक भक्तिपूर्ण वातावरण पूरे काशी नगरी को देते हैं, गली गली मोहल्लों मोहल्ले में सोचिए मंत्रोच्चार हो रहा है, हवन हो रहा है, पूजन हो रहा है, एक कैसा वातावरण बनता है पूरे समाज में, जो हमारे नई पीढ़ी हैं, जो युवा हैं, वो चीज़ों को देखते हैं, उससे सीखते हैं। इस बार आने वाले श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि कितनी संख्या में वो अपना दर्शन आके करें? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवें और हम सब के लिए एक पूरे परिवार के साथ आवें, अपने बच्चों के साथ आवें और आकर के दर्शन करें, उत्सव का आनंद लें, हमारा यही प्रयास है, हम सबकी यही कोशिश है।